मुंबई दिन में भागता रात में जागता हिंदुस्तान का एक निराला शहर है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर यहां चले आते हैं, सारी उम्र ठोकरे खाते हैं, फिर भी मुंबई किसी को नहीं ठुकराता। जो खुशकिस्मत होते हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों में करोड़ों के घर बना लेते हैं, और जिनकी किस्मत साथ नहीं देती वो बड़ी बड़ी बस्तियां बसा लेते हैं। ये वो अनोखा शहर है जिसकी गटरें भी करोड़ों में बिकती हैं, गंदे नाले भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर में बदल जाते हैं। लालच उस वक्त और बढ़ जाता है जब किसी को नजर आ जाती है बस्ती, और फिर शुरू होती है सांस लेने की कैसी लड़ाई जिसमें पैसे वालों का सफेद खून गरीब के लाल खून को पानी की तरह बहा देता है। न जाने कितने मुजरिमों को जन्म देती है ये बस्ती, न जाने कितने जुर्म करवाती है ये बस्ती, न जाने कितनी लाशें बिछाती है ये बस्ती। हमारी बस्ती, तुम्हारी बस्ती, हम सबकी बस्ती। कांता भाई, कांता भाई, कांता भाई, बस्ती में नटराज कुछ होने वाला है। कांता कैसे हो? हाँ करंजिया, हाँ बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ओ मारवाड़ी आ गया माँ का भगत। कांता सिंह, मैं आपके पिसों का इंतजाम नहीं कर सका, मैंने माफ कर दीजिए। कल शाम तक कैसे मैं 20-20 का इंतजाम करके पहुंचा दूंगा। क्या यार, काहे को इतना टेंशन लेता है? शुक्रिया कांता सर, शुक्रिया। जा जा आयश कर, कल दे देना जा। शुक्रिया, मैं जिंदगी में वैसा नहीं भूलूंगा आपका, शुक्रिया। किरण जी साले को बस्ती की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, वादा किया था कि आज माल पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाया, साले को ऊपर ही पहुंचा दिया। हाँ चल धंधे की बात करते हैं, चल। हाँ करण जिया, देख क्या सोची तूने बस्ती की कीमत? कांता हमने फैसला किया है कि इस बस्ती का 50 करोड़ रुपए देंगे। फैसला? कांता जब कानून का फैसला नहीं मानता तो तू क्या चीज है? देख बोलूंगा तो बुरा लगेगा लेकिन 75 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, समझा? 75 करोड़ बहुत होते हैं। तेरे लिए होंगे यार, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तेरे को मालूम है कितनी इनकम है इस बस्ती से? कई जुआ खाने चलते हैं, कैबेरे चलते हैं, शराब के अड्डे, देशी दारू के 5 दुकानें हैं, और हफ्ता वसूली होती है ऊपर से, समझा? मैं इस बस्ती की जमीन पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए आया हूँ। तुम बिल्डिंग बनाओ या संडास बनाओ, मुझे क्या लेना देना यार। 75 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। और तेरे को मालूम है, अभी अभी तूने नीचे देखा ना, वो भी एक बिल्डर था, समझ गया ना? चलता हूँ।
पास नहीं रहो। कितना पैसा? सलाम अलैकुम मास्टर जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। अच्छा हुआ आपकी मुलाकात कैसे रही सेठ करंजिया के साथ? मुझे तो ये योजना बहुत पसंद आई। वो बस्ती के सारे झोपड़ों को तोड़ के बिल्डिंग खड़ी करेंगे। वाह। और हर एक झोपड़े के बदले फ्लैट देंगे। फ्लैट उस्मान भाई, फ्लैट 24 घंटे पानी की सुविधा, हवादार मकान और टॉयलेट भी अंदर। सर छुपाने के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए? और हाँ, बस्ती में स्कूल और अस्पताल भी खुलवाएंगे। वाह। इससे कम से कम हमारी बस्ती के बच्चों का भविष्य तो सुधरेगा, नहीं? अरे साहब, बस्ती चमक उठेगी, बहिश्त हो जाएगी, बहिश्त। बस अल्लाह कामयाबी बख्शे। और सुनिए, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। अरे नहीं, नहीं। वरना किसी के बस का काम नहीं है ये। हाँ जी। अच्छा, मुझे इजाजत है, चलूं? किधर? अरे साहब, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, उस्मान भाई की दौड़ कैरम क्लब तक। शैतान के भतीजो, तुम फिर सुबह सुबह यहाँ चले आए? ये तुम्हारी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तुम्हारे माँ बाप मेरा क्लब बंद करवा देंगे। चलो चलो भागो यहाँ से, भागो। बार बार आ जाते। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। इन बदमाशों को तुम ही लाई होगी। क्या चाचा, आप भी फाड़ दिया ना मेरे नाम का बिल। अरे चाचा, आप इन बच्चों को जानते नहीं हो, बहुत बदमाश है। मुझसे कहने लगे, मजे दीदी मजे दीदी, आप खेलते हैं, उस्मान चाचा से तो हम निपट लेंगे। अच्छा, तो ये झींगे उस्मान चाचा से निपट लेंगे। अच्छा चाचा, मैं चलती हूँ। हाँ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चाय पिलाओगे? अरे हाँ पिलाएंगे, दे दो ऑर्डर, मैं भी पीऊंगा। छोड़ो दो, कटिंग लैब फर्स्ट क्लास। हाँ। अच्छा ये बता, चाय का ऑर्डर तुम मुझसे पूछ के कब से देने लगी? तुम दो ही तो हो जो बिना ऑर्डर चाय पी सकते हो, एक तुम हो और एक वो है अपना रमा। हाँ रमा, रमा चाचा, उसकी कोई खैर खबर, चिट्ठी, फोन कुछ आया क्या? दिल्ली गए थे, वहाँ से तो चिट्ठी नहीं लिखी। अब वापिस आ रहे हैं तो लिख दी चिट्ठी आने की। अरे लेकिन अभी तो वो गया था, अभी तो उसकी नई नौकरी लगी थी। अभी लगी थी, अभी छूट गई। जब वहाँ काम ही नहीं है तो क्या करेंगे वहाँ रहकर? साहब आ रहे हैं वापस। अच्छा आने दो जरा उसको, ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। रमा भैया, रमा भैया, रमा भैया। ना कैसा तो? अरे रमा भैया, आप इतने दुबले क्यों लग रहे हो? यार सारी दिल्ली रास नहीं आई इसलिए छोड़ के चला आया। तू बता धंधा कैसा चल रहा तेरा? कड़की बहुत लगी है रमा भैया, आपके जाने के बाद साला कोई काम ही नहीं रहा। अरे अब मैं आ गया ना, अब तो टेंशन मत ले यार। अरे रमा भैया, हाँ? ये रुमाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अबे रुमाल नहीं है, स्कार्फ है, वो भी सिल्क का। बहुत अच्छा है, चाहिए? ये ले अपना हीरो नंबर वन। जा धंधे जा। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, रमा भैया ने रुमाल दिया। क्या? अबे तेरी तो मेरे यार। अबे पकिया। ए रोमो। अबे तो। अरे ये क्या, दिल्ली से आ गया तू? अबे साले दिल्ली को छोड़ ये बता तू रिक्शा में क्या कर रहा है? अरे तो क्या करूं मेरे भाई, पेट भरने के लिए चोरी करूं या फिर डाका डालूं? अबे तेरे पास तो डिग्री थी ना? अरे छोड़ ना यार डिग्री, पहला क्लास से लेके कॉलेज तक झक मारा, मालूम अपन को क्या मिला? हाथ में कागज का टुकड़ा। अरे भीड़, ये अपन का 3 पहिया है ना, जिंदाबाद। अपन अपना मर्जी का मालिक, नौकरी वकरी गई भाड़ में, जाना है जाएगा, नहीं जाना नहीं जाएगा। अबे साले मुझको तो लेकर जाएगा कि वो भी नहीं है? बस क्या यार, चल लाला सामान ला। चल भाई नुक्कड़ वाली दुकान पर चाय पिलाता हूं। चल चल, चल। ए रुक 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 रुक। दोस्तों हां तेरे को लेने को आई। लेने को आई मेरी माँ? मैं दुबई नहीं गया था, दिल्ली से आ रहा हूँ। हाँ, क्या चिकना लग रहा है रे तू, एकदम हीरो के माफिक। क्या कर रही तू? तू क्या देख रहा है, चलाना ऑटो। ए रुक, क्या रमा क्या इतना भाव खा रहा है, इतने दिन के बाद मिल रहे हम लोग। अरे अरे रुक ना।
मुझे कोई बात नहीं सुननी है तेरी। बस तू इतना बता कि तू नौकरी छोड़कर क्यों चला आया। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे नौजवानों के पास काम नहीं है, और तुझे काम मिला तो तू उसे लात मार कर आ गया। लात मार कर? अरे थूक कर आया हूं मैं। उन्हें भी नौकरी थी? साले ऐसा सलूक कर रहे थे मेरे साथ जैसे उनका नौकर हूं मैं। तो क्या मालिक की तरह बर्ताव करते तेरे साथ? अरे आपको तो मेरे दिमाग का पता था, फिर क्यों भेजा मुझे दिल्ली आपने? तो क्या सारी जिंदगी अपने बूढ़े बाप के कमजोर कंधों पर बोझ बना रहेगा तू? कौन बना है बोझ आप पर? भैया चाय लीजिए। नहीं जी चाय मुझे। रहने दे, रख दे। मेरी नाक ऊंची करके बात कर रहा है ना? अरे इसे क्या बता, दो वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है? पिताजी मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ कि दो वक्त की रोटी कमा सकूं। अरे रहने दे, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स के पास काम नहीं है आज, और तूने तो अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं की है। और वो मैं क्यों नहीं कर सका ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा भैया खाना तो खा कर जाइए। ट्रेन में पेट भर कर खाया था मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ आकर एक निवाला भी नीचे नहीं। ए, सतीश मेरे भाई। भैया आप इधर अचानक छुट्टी लेकर आए? हाँ परमानेंट छुट्टी। मतलब आपने नौकरी छोड़ दी? ए तू क्यों टेंशन लेता है, ना हूं ना यहाँ। तू बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। देख मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही ली, लेकिन तू अपने ऊपर कोई दाग मत आने देना। एक मावाली कुंडे आवारा करता हूं। रमा बेटा गर्मा गर्म नाश्ता कर ले। वैसे तो मास्टर जी ने डांट डपट कर तुम्हारा पेट भर दिया होगा, लेकिन फिर भी ये ले थोड़ा सा नाश्ता कर ले। भूख नहीं है चाचा। अरे बेटा सामने आए हुए खाने को नकारा नहीं करते हैं? दो निवाले खा ले, ये ले खा ले। मैंने कहा ना भूख नहीं है। रमा बेटे मास्टर जी के कहे का बुरा मत माना करो, तुम्हारे बाप हैं वो। अरे उस्मान चाचा मेरी जगह अगर आप भी होते तो आपको भी बुरा लगता। तंग आ गया उनके ताने सुन सुन के। ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, ग्रेजुएशन पूरी नहीं की। क्या वो नहीं जानते ग्रेजुएशन पूरी मैं क्यों नहीं कर सका? क्या वो नहीं जानते क्या हुआ था? ये ले अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। खड़ा हो ऐसे। गेट अप, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम जानते हो मैं कौन हूं। ऐसे गेट आउट फ्रॉम हियर। हमारे एरिया के एमएलए के बेटे का हाथ तोड़ा तूने? बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, अभी उतारता हूँ सारी चर्बी, उतारता हूँ। मारो साला को। वो दिन था और आज का दिन है। मेरे माथे पे बदनामी का दाग लग गया कि रमा ने एक एमएलए के बेटे को मारा। रमा एक गुंडा है। जहां जहां मैं नौकरी के लिए फाइल लेकर गया वहां फाइल से पहले उन्होंने मेरे माथे पे लगे दाग को पढ़ लिया कि रमा एक गुंडा है। हाँ मैं गुंडा हूं। अगर अपने बाप की बेइज्जती करने वाले को मारना गुंडागर्दी है तो मैं गुंडा हूं। मैं गुंडा हूं उस्मान चाचा, रमा एक गुंडा है। बेटा भाइयों वक्त आ गया है कि आप एक एक फ्लैट के मालिक बन सके। एग्रीमेंट तैयार है, मास्टर जी ने पढ़ लिया है, आप चाहे तो आप भी पढ़ सकते हैं। आप
मास्टर जी ने पढ़ लिया तो हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इन पर पूरा भरोसा है। आज भी विश्वास नाम की चीज जिंदा है। मुझे खुशी है कि मास्टर जी पर आपको इतना विश्वास है। अजय क्यों ना हो, ये मास्टर जी हमारे मुश्किल कुशा हैं, यानी कि संकट मोचन। अपना फायदा कम सोचते हैं, बस्ती वालों का फायदा ज्यादा सोचते हैं। लीजिए मास्टर जी, साइन कर दीजिए। ठहरिए पिताजी। आपने शायद एग्रीमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा पिताजी। मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर अच्छी तरह से पढ़ा होता तो आप इस बात पे जरूर गौर करते कि करंजिया सेठ बस्ती वालों को फ्लैट सिर्फ 250 स्क्वायर फुट के दे रहे हैं। क्यों, 250 स्क्वायर फीट का फ्लैट नहीं होता क्या? होता है, लेकिन सब बस्ती वालों के झोपड़े 250 स्क्वायर फुट के नहीं होंगे। किसी का 500 स्क्वायर फुट का होगा, किसी का 700 स्क्वायर फुट का और किसी का 1000 स्क्वायर फुट का। यहां तक हमारा खुद का झोपड़ा 1200 स्क्वायर फुट का है। बस्ती वाले तभी साइन करेंगे जब उन्हें फ्लैट उनके झोपड़े के साइज के बराबर के मिलेंगे। ओए सड्डा यार, ठीक कह रहा है। ओए अमेरिका में झोपड़पट्टी टूटती है ना तो अच्छे बिल्डर बंगले बनाकर देते हैं। करेक्ट, करंजिया सेठ सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मेरा फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों का भी नुकसान नहीं है। देखिए, टूटे फूटे झोपड़ों की जगह आपको फ्लैट मिलेंगे, उसके साथ स्कूल हॉस्पिटल। ओए दे तो रहे, लेकिन कितना है? ओए ड्रम दिखाकर घुटके की डिबिया टिका रहे। हमारे अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। अगर आप हमें फ्लैट देना ही चाहते हैं तो फ्लैट हमें झोपड़े के साइज के बराबर के मिलेंगे, ठीक जैसे सेक्टर नंबर 6 के बिल्डर ने दिए थे। लेकिन कहाँ, उनके झोपड़े जुहू में थे और फ्लैट मिले नाला सोपारा में। ये तो वही बात हो गई जैसे समुद्र में से निकाल कर नाले में फेंक दिया हो। और फिर करंजिया साहब हमारे लिए स्कूल और अस्पताल भी तो बनवा कर दे रहे हैं जो उस बिल्डर ने नहीं किया है। ये बात क्यों नहीं समझता तू? मैं सब समझता हूँ पिताजी। इस बस्ती में फ्लैट बनेंगे मगर वो मिलेंगे झोपड़े के साइज के हिसाब से। रमा, नहीं तो इस कागज पे कोई साइन नहीं करेगा। रमा, क्यों खामोखाम बस्ती वालों को गुमराह कर रहा है? जा, जा यहां से, अपना काम कर। हाँ मास्टर जी, रमा जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो जो भी कह रहा है सबकी भलाई के लिए कह रहा है और आप उसे जाने को कह रहे हैं। क्यों भाइयों, रमा ठीक कह रहा है ना? हाँ हाँ रमा भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या देख रहे हो करंजिया साहब? देख रहा हूँ उसे एक लड़की की आवाज के साथ पूरी बस्ती की आवाज। अरे बस भाई, अब नीचे तो उतारो। जी आपने बुलाया मुझे। हाँ, और यहाँ आकर बहुत बड़ा एहसान किया है तूने अपने बाप पर, और उससे भी बड़ा एहसान तो ये किया है कि पूरी बस्ती के सामने मेरी गर्दन झुका दी। बहुत आभारी हूँ मैं तुम्हारा। देखिए मैंने जो कहा बस्ती वालों की भलाई के लिए कहा। तो तेरा मतलब है मैं उनका बड़ा सोच रहा हूँ? मकान का साइज, जमीन का साइज, इसके अलावा आता क्या है तुझे? तूने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये जो पटपट्टी टूट गई उसकी जगह अच्छे मकान बन गए तो कितना अच्छा माहौल हो जाएगा यहाँ। करंजिया सेठ बस्ती में स्कूल भी बनाकर देगा, बस्ती के बच्चों को अच्छी तालीम मिलेगी, उनका भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा, कभी सोचा है तूने? अरे तुझे क्या पता तालीम क्या होती है, तू तो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका। चले आए नेतागिरी झाड़ने, शर्म नहीं आई तुझे भीड़ में अपने बाप की बात काटते हुए? मैं आपकी बात काटने नहीं आया था, मैं तो सीधी बात करने आया था। अगर आपको मेरी बात उल्टी लगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं चलूं कि कुछ और बाकी है? सिर्फ कालिक पोतनी बाकी है अपने बाप के चेहरे पर, वो कसम भी पूरी कर। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है। हाय सतीश। हाय। लो
तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सारे कॉलेज की कैंटीन में ढूंढ आई। ये लो गर्मा गर्म समोसे खाओ। डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पढ़ रहा हूँ। दिख रहा है पढ़ रहे हो, पढ़ने से सिर्फ दिमाग और नजरों का ताल्लुक होता है, मुंह का नहीं। खाओ खाओ। लगता है तुम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुई हो। क्या कहा? यू जब तू मिले तो
छोड़ू पागल। अरे बातों से तू है चंचल, लगती है थोड़ी पागल। समझाऊं किस तरह मैं सपने में देख हर पल। तेरी तो गन। ए हफ्ता दे बे। ए ये क्या दे रहा है? चले भाई पलटे, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है बे? हफ्ता निकाल। अरे मच्छर के पकड़ में फंसा, चल चले चढ़े मच्छर निकाल। बुड्ढे क्या नाटक लगा रखा है 10 मिनट से, चल अपना निकाल जल्दी चल। दिमाग खराब हो गया तेरा, अभी ठीक करता हूं तुझे। क्या रे हलकट कालिया कुतरा, अरे तू तो जानवर से भी गया गुजरा निकला रे। अरे बुड्ढा आदमी भगवान को माथा टेकता है, तू उसको लात मारता है। अरे पाँव में कीड़े पड़ के मरेगा रे तू हलकट। नौले छक्के भाई पर हाथ उठाता है, बताता हूँ तेरे को भी। ठहरो, इस अधूरी आत्मा की मुक्ति मैं करूंगा मैं। नौले छक्के मुझे आऊंगा मैं। ऊपर हाथ उठा रहा है साला। मूर्ति लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? ये तो मुट्ठी भर गुंडे हैं, अपने पास तो पूरी बस्ती है बस्ती। अरे घुसवाड़ तोड़ डालो इनको। अरे मेरे को तो कुदरत ने हिजड़ा बनाया, मगर तुम तो हिजड़े से भी गए गुजरे निकले रे। ये लो चूड़ियां, ये भी लो, ये भी लो, सामने मेरे साथ घूंघट निकाल के चलो धंधे पे हो। बुला, किसको बुला रहा है? बुला, साला नटवर के खिलाफ यून बना रहा छक्के। ये मेरे को हाथ नहीं लग रहा, हाथ नहीं लग रहा, बचाओ ना रे। बुला किसको बुला रहा है? बुला, अरे छक्के देखता हूँ कौन आएगा। सारे कीड़े पड़ेंगे। बुला, बुला हाथ मत लगा। बस्ती में कौन है जो नटवर के खिलाफ खड़ा होगा? या अल्लाह, ये आवाज है। बुला, साले औकात भूल गया है अपनी। बुले, ए नटवर रुक जा रे, रुक जा। ए नटवर हाथ छोड़ दे, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़। बुड्ढे नटवर छोड़, काम कर अपना, छोड़ दे। चल बोलो ना, चल। या अल्लाह, लो आ गया तेरा बाप कालिया, अब लड़ उससे कुत्रा। हाथ पैर तोड़ दो सालों के। Thank you.
ओए बल्ले 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 बल्ले। अरे भाई, ये क्या बात? अरे क्या कह रहे मैंने मारा। अच्छा ठीक है तूने मारा। खामोश। जानते नहीं नटवर किसका आदमी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? हिम्मत? मैं बताती हूँ हिम्मत कैसे हुई। गब्बर, नाटक किया तो जवान खींच लो, हाथ पैर तोड़ डालूंगा। तू क्या हाथ पैर तोड़ेगा? बस्ती वाले भारी पड़ जाएंगे तेरे को, समझा क्या? तेरा नाम रमा है ना? बहुत सुनता हूँ तेरे बारे में। तूने मारा इसे? आज के बाद यहाँ कोई लफड़ा हुआ तो तुम सबको अंदर कर दूंगा। मैंने तो अमेरिका जाना है, प्लीज यार। इसकी चौकी में जा, अमेरिका जाए। और तू, तू चल। अरे कांता, ये क्या हरकत है? थोबड़ा देख इसका, थोबड़ा देख। ये वही रेस का घोड़ा है जिसको इलेक्शन के रेस में दौड़ाकर तूने रेस जीती थी। अब ये गधे से भी बदतर बन गया है। अरे लेकिन इसे हुआ क्या है? सुना है कि बस्ती की जमीन में से एक बिच्छू निकला है, रमा, रमा कुलकर्णी। उसने डंक मारा है इसको। अरे इतनी सी बात को? इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात को छोटा मत समझ। कांता के आदमियों को मारने के लिए कलेजा चाहिए, और इसको मारकर उसने ये साबित कर दिया है कि वो कलेजा है उसके पास। अगर मैं चाहूँ ना तो छोकरे लोगों को भेजकर दो मिनट में काम तमाम कर दूंगा, लेकिन नहीं। तेरे पुलिस डिपार्टमेंट के बंदर जो सिर्फ तेरी डुगडुगी पे नाचते हैं, फोन लगा उसको, फोन लगा। साला तेरा चमचा इंस्पेक्टर दामले, वो किस दिन काम आएगा? फोन लगा। हेलो। हेलो दामले। बोला साहब, बोला। नेटवर्क के साथ जिस आदमी ने हाथ अपाई की है उसका नाम रमा कुलकर्णी है। अरे इस घर साले को, और हाथ पर छोड़ दे उसके। और सुन, अगर वो ना मिला उसके घर में से किसी को भी उठा ले, माँ बाप बहन भाई कोई तो होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे उसे क्यों मार रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब प्लीज मत मारिए मेरे भैया को। अरे इसने क्या कसूर किया है जो अपनी बेदर्दी से पीटा है? कोई समझाओ इन्हें। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम सुन रहे हो? चलो रे। क्या बोला तू? अरे क्या बोलता तू? क्या बोला तू? जानवर हूं मैं। बंद करो। क्या बोला तू? जानवर हूं मैं। और नहीं तो क्या, इंसान ऐसा सलूक करते हैं क्या? और वो तेरा छोकरा, उसने बस्ती में मारपीट किया, बेकसूर लोगों को मारा, उसको क्यों नहीं बोलता है? मगर कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि कसूर एक भाई करे और सजा दूसरे भाई को मिले? दामले, इंस्पेक्टर दामले की किताब में लिखा है ये। तो फिर तुम्हें और रमा में क्या फर्क हुआ? वही फर्क बताने के लिए तुम लोगों को यहाँ लाया हूँ मैं। बहुत बड़ा दादा बनता है ना बस्ती का। मैं देखता हूँ अब
कितना दम है उस हराम के पिल्ले में। जुबान संभाल कर बात कीजिए। नहीं तो क्या करेगी तू? सांग ना, बता ना। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? बदतमीज कमीने इंसान, जान ले लूंगा मैं तेरी, जान ले लूंगा मैं तेरी, मेरी बेटी को छूने क्यों नहीं है? अरे मेरी बेटी को कैसे छूना? जान ले लूंगा मैं तेरी। मैं आ गया हूँ दामले, मेरे भाई को छोड़ दे। मैं जानता था तू यहाँ जरूर रहेगा। ए, जाने दे से। देख लिया, तेरी वजह से ये हाल हुआ है हमारा। बड़ा दादा बना फिरता है बस्ती का, बस ये जिल्लत देखनी बाकी थी वो भी देख ली मैंने। इस थाने में मेरी एक बात पर रिहाई होती है लोगों की, और तूने, मेरी बेटी जलील हुई है यहाँ पर सिर्फ तेरी वजह से। चलो चल। रमा, तेरा बाप तो एकदम सठिया गया रे। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाली तेरे बहन को बस इधर हाथ लगाया था बस। साले, नहीं कुछ होता कमीने, साले मैं मौत हो जाएगा। ये बस छोड़ो मेरे को, साले छोड़ो मेरे को, साले कमीने। तुमने हाथ उठाया? चल चल ले जा, बंद साले को, मैं चल भी निकालता हूँ इसके अभी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैडी अभी आते होंगे, मैं उनसे बात करता हूँ। विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आए यहाँ? और ये कौन है? डैडी ये मेरी क्लासमेट है। क्या नाम है तुम्हारा? जी विक्की। यहाँ क्या कर रही थी? जी वो मैं विक्की से कहने आई थी कि आपसे कह दे कि आप फोन करके मेरे भैया को लॉकअप से छुड़वा दें। तुम्हारा भाई? कौन है तुम्हारा भाई? जी रमेश, उसे सब लोग प्यार से रमा कहते हैं। रमा? तुम रमा की बहन हो? कौन है रमा? अरे रमा, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? कमाल है। अरे रमा बड़ा अच्छा लड़का है, एकता नगर में रहता है, बड़ा ही होनहार लड़का है, देखना एक दिन बहुत ऊपर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। कमाल है विक्की, तुमने बताया नहीं कि ये रमा की बहन है। खैर कोई बात नहीं विक्की, तू जा जा के पढ़ाई में ध्यान दे और इसे यहीं छोड़ जा। इसके केस को अच्छी तरह समझने के बाद मैं रमा को फोन पर छुड़वा दूंगा, तू जा। ठीक है पिताजी। ओके पिंकी। ओके थैंक्स। क्यों कमिश्नर भाई, तुम तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ स्वर्ग में अप्सराएं नहीं है। सॉरी नेताजी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। रिबन आप काटेंगे या मैं काटूं? भाई कमिश्नर, आप हमारे मेहमान हो, हम तो आए दिन रिबन काटते रहते हैं, आज आपकी बारी है। हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? जी पिंकी। ओ पिंकी, फिक्र मत करो, घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक फोन करूंगा तुम्हारा भाई रिहा होकर बाहर आ जाएगा। जी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है नेताजी, कितनी खूबसूरत लड़की है, इसके भाई को रिहाई तो मिलनी ही चाहिए। ओ, ना श्योर। देखिए कितने प्यारे होंठ हैं, गुलाब की पंखुड़ियां की तरह। प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। यार रमा, तू भी कैसी बात करता है यार, तू अंदर से बस बाहर आ गया, अपुन के लिए ही काफी है।
ये नहीं सोचने का कि तू बाहर कैसे आया। अरे कैसे ना सोचो यार, आखिर इस मिनिस्टर ने मुझ पे ये मेहरबानी करी क्यों? सीधी सी बात है, वो तेरे को इलेक्शन में बिठाएगा। अरे तू इन मिनिस्टर लोगों को जानता नहीं है, बहुत चालाक होते हैं, बिना मतलब के कुछ काम नहीं करते। जरूर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया उसने मुझे। हॉलीवुड की शेयर करोगे, बोस्टन की शेयर करोगे, क्या हो गया तेरे को? दिमाग तो सही ना तेरा, अभी 12 बजने में आधा घंटा बाकी है। खो देती औलाद, एक सरदार का मजाक उड़ा रहा तू। और समझा यार इसको, मैं इंडिया की टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अमेरिका की टाइम की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के कब के 12 बज चुके हैं? अमेरिका में कब के 12 बज चुके हैं? ये देख अपॉइंटमेंट लेटर, ये टिकट कपड़े दिए हैं। ओए लगता है कि अमेरिका प्लेन यही क्रैश हो जाएगा। उधर देखो आतंकवाद आ रहा है। अरे सक्कू भाई भी तो नहीं मुझे बचाने वाली, अब मैं क्या करूंगा? मेरे अरे सियाणे क्या देख रहा है? ए छपरी। जी साहब। चाय लाए। चाय साहब। क्या इंस्पेक्टर दामले की मार भूल गया क्या? हैं? छठ यार, मेरा अमेरिका जाना कैंसिल हो जाएगा। क्या करेगा, मारेगा। आजा, आना, उखाड़ लेगा क्या? उखाड़ना, आना। अंकल एक फ्रूटी देना। मेरी जान, तुम किसी फ्रूटी से कम हो क्या? मैंने कहा तुम किसी फ्रूटी से कम हो क्या? बुला ना, बुला, बुला ना, यहाँ सब हिजड़े हैं, कोई नहीं बचाएगा, हिजड़ों की बस्ती है ये। नटवर नाम है मेरा। नटवर, कम ऑन मेरी जान, जान। कितने जा रहे हैं? नहीं, उनका मपाली रहेगा नहीं।
ना किसी के पाप का डर है। चल चल तू कल निकाल शाने भाई। वाह मास्टर, तुम्हारा बेटा है बहुत जवान मर्द, उसका भविष्य उज्जवल है।
रोशन है। हाँ देख रहा हूँ उसका भविष्य, अंधेरों में डूबा हुआ भविष्य। बस्ती का उज्जवल भविष्य तुम लोगों के हाथ में है। मतलब की बात करना सेठ। तुम तो जानते ही हो कि मैं उस बस्ती की जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, और बस्ती की जमीन के लिए कांता और मेरे बीच में बातचीत भी चल रही है। थोड़े से पैसों के लिए सौदा अटका हुआ है। मुझे यही डर है कि सौदा हो जाने के बाद भी कांता वो जमीन मुझे देगा या नहीं, क्योंकि उस जमीन पर उसके नाजायज और गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, जिससे उसको करोड़ों की आमदनी है। और एक तरफ है मास्टर जी, जिनकी बस्ती में बहुत ही इज्जत बहुत ही सम्मान है। मैंने उनसे बातचीत भी की थी, प्रस्ताव भी लेकर गया था, पर उसके बाद क्या हुआ ये तो आप लोग जानते ही हैं। मगर करण जय सेठ, आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? उस बस्ती में तुम लोगों के झोपड़े के साइज के पक्के मकान बनाकर मैं तुम लोगों को दे दूं, तो उस बस्ती में बिल्डिंग बनाने में मेरा साथ दोगे? मान लीजिए ये काम करने के लिए हम तैयार हो भी जाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा और इसमें आपका क्या फायदा है? रमा, इस दुनिया में हर आदमी फायदे के लिए ही कुछ ना कुछ करता है, और जाहिर है इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। अब रहा सवाल कि तुम्हें क्या करना है। उस बस्ती में से कांता और उसके गुंडों का खौफ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अगर बस्ती में से कांता के गैर कानूनी धंधे बंद हो जाएं, ये यूं समझो कि तुम लोग वो धंधे बंद करवा दो, तो तुम तीन लोग बस्ती के 30,000 लोगों को पक्के मकान दिलवा सकते हो, और इस काम के लिए तुम लोगों को पैसों की जरूरत होगी। ये चंद रुपए हैं जो तुम लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। ओ करण जय सेठ, आप चाहते हैं कि अपनी बस्ती की जमीन पर कांता और उसके आदमियों का खून बहाकर बिल्डिंग बनाने में आपकी मदद करें? बेटे, मैं तुम्हें किसी का खून बहाने के लिए कहां कह रहा हूं? तो फिर इन नोटों पर पिस्तौल का क्या काम? ये पिस्तौल किसी का खून बहाने के लिए नहीं, बल्कि कांता और उसके खौफनाक गुंडों से तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए दे रहा हूं। कुछ लोग सिर्फ इसी की जुबान समझते हैं। रंजय सेठ बिल्कुल सही कह रहे हैं रमा। अरे इसमें सोचने का क्या रमा, आज अपन को मौका मिला है बस्ती वालों की मदद करने का, और तू सोच रहा है? अरे तू बता ना अपन लोग की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, वही बस्ती के नुक्कड़ पर बैठ कर आखा दिन चाय पिएगा, दो पांच आदमी का हाथ मुंह तोड़ेगा, और फिर एक दिन उसी बस्ती में सड़ेला गटर में मरा पड़ा मिलेगा। अरे तू सोच ना रमा, अपन का बस्ती में एक स्कूल होएगा, बाबूजी का भी तो यही सपना है ना। अरे इसे क्या बता, दो वक्त की रोटी कैसे कमाई जाती है? अरे रहने दे, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स के पास काम नहीं है आज, और तूने तो अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं की है। सोचा पिताजी आ गए। भैया ये सब क्या है? दिखता नहीं क्या? इसे इंग्लिश में पिस्टल, हिंदी में तमंचा, और मुंबई की भाषा में घोड़ा कहते हैं। भैया कब आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा? आपको पता है इस तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना और घर में रखना जुर्म है? ए, कोई जुर्म नहीं है, समझा? देख सतीश, दुनिया में हर एक आदमी कोई ना कोई जुबान समझता है। कोई गुजराती समझता है, कोई मराठी, कोई पंजाबी, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसकी जुबान समझते हैं। भैया आपको पता है इसकी जबान सिर्फ शोले उगलती है, जिस पर भी ये चलती है उसकी जिंदगी तो खत्म होती है, और इसको चलाने वाला भी बर्बाद हो जाता है। भैया तूने कब से पिताजी की तरह भाषण देना शुरू कर दिया? जाके सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। और हाँ, तुझे मेरी कसम, तूने पिताजी को कुछ कहा तो समझा।
पहली बार तमाचा खाया है तुम लोगों ने, पहली बार। नटवर, मैं तुझ पर नाच करता था, सोचता था कि मेरी माँ ने दो कांता पैदा किया है, एक मैं और एक नटवर। लेकिन वो एकता नगर के मामूली छोकरे ने कांता के आदमियों के हाथ में घंटा पकड़ा दिया, घंटा। अब बजाओ सालो घंटा, घंटा बजाओ। अब मेरा जो नुकसान हुआ है उसका क्या, कौन भर के देगा वो नुकसान? कांता भाई, मैं अब भी कहता हूँ, छोकरों में इतना दम नहीं है। वो साला करंजिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अरे करंजिया को तो मैं देख लूंगा, बहुत चर्बी चढ़ गई है साले को, एक ही गोली में काम पटा दूंगा उसका। ए कांता, करंजिया को मत छेड़ना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी? ये क्यों नहीं कहता कि तेरे इलेक्शन जीतने का चंदा बंद हो जाएगा? साला उसको भी उल्लू बनाता है, हमको भी उल्लू बनाता है। अरे हमसे तो बड़ा गुंडा तुम लोग हैं। ए ए कांता, तमीज से बात कर। आखिर मैं मिनिस्टर हूँ। अरे आखिर में तुम मिनिस्टर है, पहले क्या था? लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने में सप्लाई करता था, नहीं तो तेरे जैसे भड़वे को कौन टिकट देता? ए कांता चुप हो जा। तूने करंजिया के सपोर्ट में बात ही कैसा किया? उसकी जोरू तेरी बहन है क्या? क्या तू उसकी जोरू का पहला यार है? ए साला, जोरू का यार होगा तू? कांता भाई, आप लोग बिना वजह लड़ रहे हो। अरे करंजिया की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। चुप रह, मेरे से बात करनी है ना तो काम की बात कर। अगर फालतू बात किया ना तो तेरी दारू और छोकरी दोनों बंद कर दूंगा और इलेक्शन में सपोर्ट भी नहीं करूंगा। हाँ चल चल। अपोजिशन वाले की हत्या की, उनके बच्चों को किडनैप किया, रातों रात क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? और मैंने भी बहुत कुछ किया तेरे लिए, बहुत कुछ किया तेरे लिए। ये तेरे गुंडे हैं ना, हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक, जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सब मेरी मेहरबानी है, मेरी मेहरबानी। वरना अब तक तो तुझे पुलिस वाले कुत्ते की मौत मार चुके होते। छोड़ ना यार। हाँ छोड़ दिया ना यार। नटवर जी, जा अपने लड़कों को भेज के उस साले रमा के साथ मीटिंग फिक्स कर, देखता हूँ कौन सा महारथी है वो रामा। तू है रमा? मेरे को पहचाना तू? कांता। पहचाना? मेरे को पहचानेगा आज नहीं। तू बहुत भाव में है ना, भाव तोड़ रहा है। तो वो करंजिया सेठ है ना, वो उल्लू का पट्टा है और तुम लोगों को उल्लू बना रहा है। उल्लू
वो तुम लोगों के ऊपर जितना रोज पैसा खर्चा करता है ना, उतने पैसे की मैं रोज शराब पीता हूँ और मुझता हूँ। ये समझाने के लिए ईमानदारी के साथ मैं खुद इस बस्ती में आया हूँ। उस करंजिया के लफड़े में मत पड़, इस बस्ती को अपनी जागीर मत समझ। ये बस्ती कांता की थी, कांता की है और कांता की रहेगी, है कि नहीं? ले शराब दे, ला इधर। बोलिया, अब मैं बोलता हूं, ध्यान से सुन। अपनी बात खत्म करने के बाद तुझे 2 मिनट का वक्त मिलेगा यहां से निकलने के लिए। तू इंसानियत की बात करता है ना, तो मैं भी तेरे से इंसानियत की ही बात करता हूं। अपने लौंडों को कह दे कि अगर मेरी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो ये पजामा इस लौंडे के सामने खोलता है ना, यही पजामा पूरी बस्ती में खोलूंगा मैं, और यही नाड़ा तेरी गर्दन पे लपेट के तुझे कुत्ते की तरह बस्ती में घुमाया नहीं ना, तो मेरा नाम भी रमा नहीं। गुनाहगार सिर्फ वो नहीं होता जो गुनाह करे, गुनाहगार वो भी होता है जो गुनाह करने वाले को देखकर उसे ना रोके। बस 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 भाई, हाँ भाई, कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए ये ले, छुट्टा दिए साहब। अरे ऐश कर, ऐश कर। गुनाहगार वो भी होता है जो दूसरे गुनाहगार को अपने घर में बच्चों ये लिख कर दिखाओ। कहिए। अब पिताजी, आप लोगों के लिए कुछ सामान लाया था। गलत जगह पर आए हो बेटा, यहां वो इंसान नहीं रहता जो अपनी औलाद से ये उम्मीद रखे कि कब उसके बच्चे लूट का माल लाएंगे और वो खाएगा। यह एक गरीब मास्टर रहता है जिसको मरते दम तक इतनी पेंशन तो मिलती रहेगी कि अर्थी का सामान खरीदने के लिए उसे किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मास्टर जी, इसके आगे क्या है? वह गुनहकार होता है जो दूसरे गुनहकार को अपने घर में पनाह दे। हाँ पिंकी, सतीश, मैं बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। फिर से पुलिस की तरफ से ग्रीटिंग कार्ड लेकर तो नहीं आ रहे भैया? सतीश, उस हादसे के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, और तुमसे बड़ा होने के बावजूद मुझे तुमसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं बल्कि संतोष मिलेगा। तुम्हारे लिए किताबें लाया था। सॉरी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया। क्यों? आखिर तुम सब लोग मुझसे कुछ भी क्यों नहीं लेना चाहते हो? क्या मेरे हाथ लगी चीजों में जहर लग जाता है? तुम्हारे हाथ की छुई हुई चीजों में नहीं, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ना भैया, वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। अरे फिर वही बात, आखिर क्या बुरा काम कर रहा हूं मैं, और तुम लोग मेरे हर काम को बुरी नजर से क्यों देखते हो? हाँ, एक दिन पछताओगे तुम। जब सच्चाई का एहसास होगा ना, तो तुम सब पछताओगे। और ऐसा क्या गलत काम कर रहा हूं मैं, जुल्म के खिलाफ आवाज ही तो उठा रहा हूं, और क्या करूं मैं? बुजदिलों की तरह आंखें बंद कर लूं,
और हर जुल्म को नजरअंदाज करता रहूं? बोलो सतीश, चुप क्यों हो? बोलो। मैं चलता हूं, पढ़ाई करनी है मुझे। सतीश, भैया आप सतीश भैया की बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए, इस वक्त वो गुस्से में है। अब तो दिल खुद ही पत्थर का बन चुका है, किसी भी चोट का एहसास नहीं होता। खैर, मैं घर के लिए कुछ चीजें लाया था, इसमें सतीश के लिए किताबें भी हैं और तेरे लिए सूट भी, याद से पहन लेना जी। और हाँ, पिताजी के लिए एक नया चश्मा लाया था, पुराना टूट गया है ना, याद से दे देना। और हाँ, मूड देख कर देना, जब मूड अच्छा हो तभी। जी भैया। जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो, उसकी पलके बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, आज ये कैसी बातें कर रहा है तू? देख, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए खीर और करी बनाई है, चल आजा खा ले गर्मा गर्म। अरे नहीं खानी तेरी खीर, जब अपने ही बेगाने हो गए तो तू क्या लगती है मेरी? जो तुझसे इतना प्यार करती है उससे पूछता है कि क्या लगती है वो तेरी? प्यार? अरे बस्ती में और भी लड़के हैं प्यार करने लायक, जा किसी और से प्यार कर ले और भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़। बस बस, और नहीं सुन सकती तेरे ये तीखे शब्द। आखिर अनाथ हूं ना, एक अनाथ लड़की के जज्बातों की कदर कौन करेगा? अगर मुझसे पीछा छुड़ाना ही था तो एक बार प्यार से कह देता, मैं खुद ही तेरे रास्ते से हट जाती। देख मधु, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत परेशान हूं। आज पिताजी ने हमेशा के लिए घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। अरे तो मेरा घर नहीं है क्या? माना कि अनाथ हूं लेकिन एक छोटा सा घर है मेरा। अब से तुझे कोई अनाथ नहीं कहेगा। मुहर्रम के ठीक बाद तेरी मांग सिंदूर से भरी होगी और तू रमा की पत्नी कहलाएगी। सच? सच रमा? खाना नहीं खिलाएगी क्या? नटवर, मैं मंत्रियों को गालियां बकता हूँ लेकिन उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगर किसी को मारना है ना तो वही आइडिया अपनाओ जो बरसों से इस देश के मंत्रियों का हिट फॉर्मूला है, गणपति और मुहर्रम। ये दो ऐसे त्योहार है जो इस देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। बस्ती में भी मुहर्रम बड़ी धूम से मनाया जा रहा है। नटवर, दो ग्रुप बनाओ, एक बस्ती को जलाएगा, दूसरा ग्रुप रमा को खत्म करेगा। बस्ती में दंगा फसाद होगा, हिंदू मुस्लिम फसाद होगा, हम पर कोई शक नहीं करेगा। आज काम पटा दो। Yeah!
भाई किसने भेजा तुझे? बोल किसने भेजा तुझे? मुझे क्या मार रहा है? उधर वो लोग बस्ती में आग लगा रहे हैं। मास्टर, अल्लाह मियाँ की मर्जी पर किसी का दखल नहीं चलता। जो उसे मंजूर होता है वही होता है। अरे चोर 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 चोर, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे संपत भाई क्यों चिल्ला रहा, क्या हो गया? अरे उस्मान चाचा, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। ये छोरी हमारे दुकान से शादी का जोड़ा चुरा लाई है और ये पूरे 2000 का है। बेटी तुमने चोरी की? नहीं चाचा, मैंने चोरी नहीं की, वो तो मैंने उठा ली। क्या करती चाचा, इसने मांगी तो इसने दी नहीं। पर बेटी तुझे क्या करना है, इसको किसे पहनाना है? चाचा आप भूल गए, मेरे रमा से शादी है। क्या अल्लाह या मौला, क्या रंग है तेरे। तू जा बेटा, जा तू जा, मैं संभाल लूंगा। अच्छा जा। जी चाचा देखना, रमा मेरी बारात लेके आता ही होगा। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे ये जोड़ा पहनना है, मुझे मुझे तैयार होना है, गहने भी तो पहने ना। मैं चलती हूँ चाचा, शादी में जरूर आना ना। आप भी आना, जरूर आना। आप लोग आओगे ना? देखो चाचा चाचा, रमा रे सेना बांध के घोड़ी पर मेरी बारात लेकर आ रहे। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। मेरा रमा आ रहे, रमा मैं आ रही हूँ। रमा रमा की याद में सुध बुध खो बैठे बेचारी, बिल्कुल पागल हो गई है।
मास्टर, तेरी आंख से आंसू, काश तूने अपने बेटे को जीते जी समझ लिया होता तो आज तेरी आंख में आंसू ना होते। मास्टर, मुझे माफ कर देने, मैं तुझे समझ नहीं सका। अब तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि तुझे हर जन्म में मेरा ही बेटा बना कर भेजे। जी आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके सर, मैं अपने भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी चाहता हूँ, पखिया और नंदू की रिहाई चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग बेगुनाह हैं। कौन गुनेगार है और कौन बेगुनाह, इसका पता लगाना पुलिस का काम होता है। ये दंगे और फसादों में जो हत्याएं होती हैं, उनके हत्यारों का पता करना बहुत मुश्किल काम है, इसमें वक्त भी लगता है। इसलिए यहाँ आकर मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। सर आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे भाई की हत्या नटवर और उसके साथियों ने की है। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कहने में आकर किसी को गिरफ्तार कर लूं? है? अरे भाई पुलिस इंक्वायरी भी कोई चीज होती है। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस इंक्वायरी क्या चीज होती है, अच्छी तरह से देख रहा हूँ मैं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं जानता हूँ, एक पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा हूँ और इस देश के कानून को भी अच्छी तरह से जान गया हूँ मैं। अपना इरादा बदल लीजिए, वरना बदलता हुआ समय आपको ऐसी जगह उठाकर फेंक देगा जहां आप खुद अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे माँ का भगत, तू कमिश्नर है या गसियारा? शराब पीने के लिए और लौंडियाबाजी करने के लिए सबसे आगे रहता है, और एक लौंडा तेरे केबिन में आके तुझे धमकी दे के चला जाता है और तू उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। दाग देता एक सरकारी गोली उसके भेजे में और फेंक देता किसी गटर में। कांता, सरकारी गोली डालना इतना आसान काम नहीं है बाबा। अरे इस देश में प्रमुख अधिकारी के मर्डर पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और वो तो एक मामूली सा लौंडा है। वो मामूली लौंडा नहीं है कांता, मैंने उसकी आंखों में आग देखी है। तू जल्द से जल्द उसका बंदोबस्त कर। क्या मैं कांता के गुंडों की धमकियों के डर से ये बस्ती छोड़ दूं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने बेटे सतीश और पिंकी के बारे में तो सोचिए, कांता के गुंडे कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल माकूल राय दी है कुंदन भाई ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अरे भाई हम सब मिलकर मास्टर जी से कहें कि वो बस्ती छोड़ जाए। आपके सामने इस बस्ती के लिए हमारे बच्चे रमा ने अपनी जान दे दी, शहीद हो गया वो, कोई बचाने आया उसे? सब खड़े तमाशा देखते रहे, सब तमाशा देखते रहे। अल्लाह ना करे हमारी बच्ची के ऊपर ऐसा दाग आ गया, कोई ऐसी बात हो गई तो बुढ़ापे में मुंह काला हो जाएगा, मरना चाहेंगे तो मौत मिले मिलेगी हमें। मास्टर जी मेरी दरख्वास्त है, अब बस्ती छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए बस्ती। नहीं नहीं छोड़नी हमें ये बस्ती, बरसों पहले आकर बुनियाद डाली है इस बस्ती के हमने उस्मान भाई, और कल के आए हुए गुंडे आकर हमको धमकाएं और हम डर कर ये बस्ती छोड़ जाए? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बस्ती छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर इस बस्ती की जमीन की खातिर मेरे रमा ने जान दी है अपनी,
इस जमीन में मेरे रमा का खून मिला हुआ है। बरसों किताबें पढ़कर जो मैं नहीं सीख सका, मेरे रमा के बलिदान ने मुझे सिखा दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बस्ती छोड़कर नहीं जाऊंगा, हरगिज़ नहीं जाऊंगा। पिंकी बेटा, जरा छड़ी तो लाना। पिताजी, ये रही आपकी छड़ी। पिंकी, क्या हुआ बेटा? पिंकी, पिंकी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पिंकी, क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरी बेटी को? मास्टर जी, आप एक मिनट मेरे साथ यहाँ आइए। लेकिन हुआ क्या है, बताइए तो सही। आप चलिए तो सही। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? क्या बताऊं मास्टर जी, मैं आपको कैसे बताऊं? आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। अरे आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारे मंत्री से मिलना है। क्या हो रहा है वहाँ? साहब, ये सज्जन आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। आने दो, आने दो। कहिए मास्टर जी, क्या काम आन पड़ा हमसे? मेरी बेटी माँ बनने वाली है। अच्छा मंत्री महोदय, अब हम चलते हैं। नमस्ते। भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुबारक हो, मुबारक हो। भाई क्या खाली यहाँ चले आए? कुछ मिठाई उठाई ले आते। अच्छा ही किया जो मिठाई नहीं लाया। हमने कौन सी खानी थी? हमें तो भाई डायबिटीज है, न जाने कितनी गंदी बीमारियां हैं। सब जान गया हूँ मैं। तुम दरिंदों ने मेरी बच्ची के साथ किस तरह हैवानियत का खेल खेला है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप इसलिए हमारे पास आए। भाई मास्टर जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि उस बच्चे का बाप इस महान देश का नेता है। कमीने, तूने हाय ली है एक बेबस बाप की। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तूने मेरी बच्ची को कहीं कहने छोड़ा। मास्टर जी रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। ये आंसू पोछिए, आंसू पोछिए, पोछिए। अब क्या है कि मास्टर जी, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा दोस्त कमिश्नर भी था। भाई मास्टर जी, आप मायूस हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी का शुभारंभ इस देश के महान नेता और कानून के हाथों से हुआ है। कमीने, कमीने में तुझे छोड़ मारूं साथ। अरे उठाकर बाहर फेंको इसे। नरक में जाएगा तू, ये मेरी बद्दुआ है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, भगवान तुझे कभी नहीं माफ करेगा। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। विकी, तू कब आया? बड़े सही वक्त पर आया पापा। अगर आने में जरा सी देर कर देता तो अपने बाप का घिनौना और गिरा हुआ रूप कैसे देख पाता मैं? क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास कर रहा हूं या अभी आपने जो यहां किया वो बकवास था? आपने साबित कर दिया पापा कि आपने आईटी घटिया और गिरे हुए इंसान है। खामोश, यहां गार्ड्स हैं, मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत? ये आपकी इज्जत इज्जत है? और उस लड़की की इज्जत कोई इज्जत नहीं थी जिसे आपने हमेशा के लिए बेइज्जत कर दिया? पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे देश की किस्मत ऐसी क्यों लिखी है जिसे आप जैसे छिछोरे मंत्री चलाते हैं। बड़ी बदकिस्मत थी वो माँ, मेरी माँ, जो आप जैसे हैवान के नाम का सिंदूर अपनी मांग पर लगाती थी। और बड़ा बदकिस्मत है आपका ये बेटा जो अपने नाम के आगे एक जानवर का नाम लगाता है। ये तो मात्र अपने आप को मारिए डैडी, आप अपने आप को। मैं आपको नहीं मार सकता क्योंकि बदकिस्मती से मैं आपका बेटा हूं। आपने अपनी होने वाली बहू के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और बहू बेटी समान होती है। आ,
मास्टर सतीश भैया, सतीश भैया, मास्टर जो वहां गिर गए थे उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या तू एक काम कर, पिंकी को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच, मैं वहीं तुम लोगों को मिलता हूं। जी भैया, जल्दी चल। उस्मान भाई, सतीश नहीं आया अब तक, उसे जल्दी बुलाओ। उस्मान, आप फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसे जल्दी बुलाओ, वक्त बहुत कम है। पिताजी, सतीश जल्दी आओ, मेरे बच्चे आ जाए। पिताजी, पिंकी नादान है, उसे माफ कर देना, उसका ख्याल रखना। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा पिताजी, पिंकी का ख्याल रखूंगा मैं। और तुझसे एक बात और कहनी है, मैं रमा का गुनहगार हूं, तेरा गुनहगार नहीं बनना चाहता। ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इस बेरहम दुनिया में बुस्तर होकर मत जीना, रमा की तरह अपनी आवाज बुलंद रखना। पिताजी, हाँ पिताजी, बुस्तर बनकर अपने आप को जिंदा रखने से अच्छा है बलिदान देकर अपने नाम को जिंदा रखना, जैसे मेरे रमा का नाम जिंदा है। पिताजी, अरे नहीं पिताजी, मास्टर, या अल्लाह, ये क्या कर दिया। आदमी कोई ना कोई जुबान समझता है, कोई गुजराती समझता है, कोई मराठी, कोई पंजाबी, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसकी जुबान समझते हैं। पता चला सतीश, सुनकर बहुत दुख हुआ। लॉकअप तोड़कर भागने का हौसला तो था अपन में, मगर जिंदा रहना था तेरा साथ देने के लिए। सतीश, रमा मरा नहीं है, वो मेरे सामने खड़ा है। तो फिर चलो मेरे साथ, खत्म कर देते हैं उनकी हस्ती जो हमें मिटाने और बर्बाद करने पर तुले हैं। चलो। रुको सतीश, जोश का जो हथियार है ना, उसने कभी किसी दुश्मन का खात्मा नहीं किया। होश काम लो। अभी अभी मैं अपने पिताजी और बहन की अर्थी इन हाथों से जलाकर आ रहा हूं, और आप कहते हैं होश से काम लो।
तुम्हारा भाई रमा मेरे बेटे समान था और दुश्मन को मिटाने के असली हथियार हैं मौके की तलाश और होशियारी। तुम अपने जज्बात के लोहे को गर्म रखो, हथौड़ा कब और कहां मारना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
चाहूं तो तुझे एक गोली में खत्म कर सकता हूं, लेकिन नहीं। बहुत बड़ा काम किया है कांता सेठ सतीश ने, करंजिया के साथ मिलकर बहुत बड़ा काम किया। बहुत अच्छा काम हुआ, जो साला निकम्मा पुलिस कमिश्नर चला गया, फोकट में रोटियां तोड़ रहा था साला, सरकार से पगार लेता था और हमसे अय्याशियां करता था। शराब चाहिए कांता भाई, लड़की चाहिए कांता भाई। अरे मुझे तो ऐसा लगने लग रहा था कि मैं भड़वा बन गया, सप्लायर बन गया हूं पुलिस डिपार्टमेंट का। अभी ये नया कमिश्नर आएगा ना, तो उससे ज्यादा बात नहीं करने का, कट टू कट बोलने का उसके साथ, समझा? अरे मेहता साहब, तुम्हें चिंता करो ना का, जब तक इस पुलिस स्टेशन में दामले हैं, दाम देते रहो और काम लेते रहो, सिंपल। एक हेत्रे, चल चाय सांग कड़क, चल। कमिश्नर साहब। सर, सर आप अचानक, कमिश्नर जब्बार जब भी आता है अचानक ही आता है। सर मैं आपका इन लोगों से इंट्रोडक्शन, कोई जरूरत नहीं है, मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं। आप इंस्पेक्टर कदम, इनका कोई कदम आज तक फर्ज की राह में नहीं उठा। आप इंस्पेक्टर वागले, मुजरिम से रिश्वत ली और कहा भाग ले, और आप इंस्पेक्टर चौहान, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा नुकसान, और आप इंस्पेक्टर दामले, यानी दाम ले। सर फोन, हेलो, वो गधे के बच्चे दामले को फोन दे। सर मैं दामले ही बोल रहा हूँ। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी सुबह सुबह कचरा उठाती है ना, पुलिस डिपार्टमेंट से सीधा तुझे उसी गाड़ी में भेज दूंगा। सुबह से तीन फोन कर चुका हूँ, अभी तक मेरे आदमी को छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ो सर। वो कमिश्नर साहब आए हुए ना इसलिए बस। सर कमिश्नर मेरे से बड़ा है क्या? छोड़ो उसको। ओके सर। सर वो मंत्री जी का फोन था। एक हेत्रे, चल रहे सोर, उस काले को जाने दे। जी सर। इसका कसूर क्या है? कुछ नहीं सर, वो तो मंत्री जी का। मैं पूछ रहा हूँ क्या कसूर क्या है इसका? उसने सर, वो उसने मंदिर के सामने गाय काट कर डाल दी थी, और मस्जिद के सामने एक सुअर, बस ये मामूली सी हरकत कर दी, बस और कुछ नहीं सर। चल रहे दामले, शो मी योर रिवॉल्वर। जी, शो मी योर रिवॉल्वर। जी सर। कब से इस्तेमाल नहीं किया इसका? सर ये कोई दो ढाई महीने से। और तुमने चौहान? सर कुछ खराबी आ गई थी रिवॉल्वर में इसलिए। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हारा रिवॉल्वर किसी खास आदमी के इशारे पर फौरन चल जाता है। कानून के रिवॉल्वर में जब जुर्म का बारूद भर जाए तो वो सही जगह पर नहीं चलता। दामले, शूट हिम। व्हाट? आई सेड शूट हिम। लेकिन सर वो, दामले, दिस इज माय ऑर्डर, शूट हिम। सर वो मंत्री जी का आदमी। हाँ वो मंत्री जी का आदमी है, और मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। दिस इज माय ऑर्डर, शूट हिम। सर मैं, आई सेड शूट हिम, दामले शूट हिम। यस सर। Oh!
अगर ये आदमी चंबल का डाकू भी होता तब भी मैं इसे इस तरह से शूट करने का ऑर्डर नहीं देता। लेकिन जो जुर्म इसने किया था वो, ये बात कह देना अपने उस मंत्री से। और एक बात सुनो, अगर पैसा कमाना चाहते हो तो शहर में बहुत सारे धंधे हैं जहां बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर फर्ज निभाना चाहते हो तो अपनी जेब की नहीं, जेब पर लगने वाले मेडल्स के बारे में सोचो। माय नेक्स्ट ऑर्डर, इस शहर का हर बियर बार रात 12 बजे के पहले पहले बंद हो जाना चाहिए। शहर के लोग अगर दो पैक दारू कम पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, अंडरस्टैंड? नोट असली है ना? हाँ साहब असली है। नोट देख कर लेना, अगर एक नोट भी नकली निकला ना तो याद रखना तेरा बॉडी का दो चार पार्ट भी नकली लग जाएगा, समझा? जी साहब। दामले, मालूम है तू आया? म्यूजिक काय को बंद करता है? म्यूजिक बंद? धंधे का टाइम काय को मजाक कर रहा है? अरे क्या मांगता है, बोलना, नाटक काय को कर रहा है? तेरे को बोला ना, म्यूजिक और क्लब दोनों बंद, लाओ कर। ये साला तेरी रखेल उर्मी अपने गांव गई तो उसका गुस्सा मेरे पे काय को निकालता है? अरे अंदर जाना, जाके दूसरा माल पसंद कर ले, क्या फर्क पड़ता है? अरे ना को पाजे, म्यूजिक बंद कर, क्लब बंद कर। जब्बार साहब का ऑर्डर है, शहर में आज के बाद शहर का सब क्लब डिस्कोथेक सब कुछ 12 बजे के पहले पहले बंद होना इस पाइजे मंजे बंद। चल चल जल्दी कर, ए तुम लोग निकलो बाहर, जल्दी करो। और इधर धंधे में जो रोज नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा जब्बार साहब? अरे उसकी पगार से तो मेरे बार के वॉचमैन का खर्च भी नहीं निकलेगा। अभी चल चल निकल इधर से। ए तेरे बोला ना, ज्यादा नाटक नहीं करेगा, चल छोटे भैया चल। ए दामले, ये अपन के धंधे का टाइम है क्या? खोपड़ी मत खिसका मेरी, बोला ना तेरे को? नाटक नको, बंद कर, बोला तो बंद कर। ए दामले चल निकल। कमिश्नर साहब, वाह, यह है महाराष्ट्र पुलिस के महान सपूत जो बड़े फक्र के साथ अपने आप को महाराष्ट्रियन कहता है और कॉलर ऊंचा करके बोलता है कि मैं महाराज शिवाजी का भक्त हूं। एक शिवाजी महाराज थे जो अपने ताज की लाज रखने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए घूमते थे, और एक ये हैं शिवाजी के भक्त जिनके ताज को एक दो कौड़ी का गुंडा तिनके की तरह उड़ा देता है। एक शिवाजी महाराज थे जिन्होंने अपने वतन की खातिर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। दामले, से पहले कि लोग तुम्हारे खून पर शक करें, इससे पहले कि लोग तुम्हें कुत्ता और हरामी कहकर धिक्कारें, दिखा दो इसे अपनी पाक वर्दी की ताकत। दामले, मिटा दो अपनी वर्दी पर लगे इन काले धब्बों को, पूरी कर दो अपने फर्ज की वो कसमें जो तुमने ये वर्दी पहनते वक्त खाई थी। यही वक्त है अपने पापों का प्रायश्चित करने का। दिखा दो दुनिया को कि तुम महाराष्ट्र के सच्चे सपूत हो। ए, 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 दामले। आज माझे डोळे उघडले कुत्रिया, मी महाराष्ट्राच्या पोलीस आहे। पागल हो गया क्या तू? मी शिवाजी महाराजच्या माणूस आहे। दामले, दामले ये क्या किया तुमने? सर, अब तो कोई मेरे खून पर शक नहीं करेगा ना सर? नहीं दामले नहीं,
जय महाराष्ट्र। डार्लिंग आई लव यू। अरे क्या मजा। आई रियली लव यू। बोल। कमिश्नर जब्बार आपसे मिलना चाहते हैं। आई कमिश्नर जब्बार, वहां का भगत यहाँ क्यों आया है? पता नहीं सर। अच्छा आता हूँ आता हूँ। ओ जब्बार साहब, आप सलाम वालेकुम। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आपका घर देख रहा था कांता साहब। क्या साहब, गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं। कांता साहब, अपने मुल्क में जिस आदमी के सर पर राजनीति की छत हो वो गरीब नहीं होता, गरीब होने का नाटक जरूर करता है। मेरे को किसी ने सच ही कहा है कि जब्बार साहब बहुत ही मजा के आदमी है। क्या पियोगे? क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? मुझे नटवर चाहिए। हैं? कौन नटवर? मुझे आपसे यही उम्मीद थी कांता साहब, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या मैं आपकी बात मान लूं? बात मानकर चुपचाप यहां से चला जाऊं? क्या वाकई आप नटवर को नहीं जानते? मैं सच कह रहा हूं जब्बार साहब। जी हां कांता साहब, आप बड़े आदमी, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? हमारे वालिद मरहूम, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अक्सर कहा करते थे कि एक झूठ हजार झूठों को जन्म देता है और एक सच आदमी की हजार बलाओं से हिफाजत करता है। कांता साहब, आपके बार में एक पुलिस ऑफिसर का खून हुआ है और बार में आपका आदमी नटवर मौजूद था जो खून करके फरार हो गया है। अभी तो फिलहाल मैं चला जाऊंगा, लेकिन कल से रोज यहां आकर आपको इतना सताऊंगा कि आप तंग आकर खुद नटवर को मेरे हवाले करने पर मजबूर हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा कांता साहब, शायद जिंदगी में पहली बार आपको भी एहसास होगा कि पुलिस फोर्स वाकई कितनी ताकतवर हो सकती है। चलता हूं, एक मशवरा है बिल्कुल फ्री फंड में कांता साहब, दिल्ली के भरोसे मत रहिएगा, जो लोग देश के नहीं हुए वो भला आपके कैसे हो सकते हैं। बाय बाय। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? कांता सेठ, ये क्या किया, इसे क्यों मार दिया? अरे आपने साथ पहली बार आई थी तो कमिश्नर के मरने की खबर आई, दूसरी बार आई तो आज ये साला जब्बार टपक पड़ा, अभी तीसरी बार आएगी तो मेरे मौत की खबर आएगी। मनुष्य है साली। दाम लेके मरने के एक दिन पहले ये उसके साथ भी गई थी साली। देखिए, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, और ये तो मुझे मार देगा। अरे फोन करो पुलिस को, फोन कर और कहो मिनिस्टर की जान को खतरा है, देश के भविष्य को खतरा है। इस देश के भविष्य को खतरा है पापा? इस देश के भविष्य का खतरा आज टल गया समझो। ये उस मजबूर लड़की का भाई है जिसकी जिंदगी के साथ आप लोगों ने खेल खेला था, और आज ये आपकी जिंदगी के साथ खेल खेलेगा, उस जिंदगी के साथ जिस जिंदगी पर देश की 100 करोड़ जनता एक साथ लालच भेजे ना तो भी कम है। क्या तू मेरा बेटा होकर मुझे नहीं बचाएगा? पापा, मैं अपने इस भारत देश के हर एक रिश्वतखोर मिनिस्टर की औलाद को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिश्वतखोर बाप की तरक्की पर नाज ना करें, बल्कि खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से उनका खात्मा कर दें, जो इस महान भारत देश को एक बार फिर गुलामी की आग में झोंकना चाहते हैं। सतीश भैया, कल जब पुलिस आपसे इनकी हत्या के बारे में पूछताछ करेगी
तो उनसे कह देना कि इनकी हत्या में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। पापा, उस दिन आपने मुझे यहां से जाने के लिए कहा था, लेकिन आज मैं खुद यहां से जा रहा हूं। बेटा, बेटा मुझे छोड़कर मत जा, छोड़कर मत जा बेटा, ये मुझे मार देगा। बेटा, बेटा। पुलिस कमिश्नर कांता की वो कानूनी ताकत थी जिसे वो गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करता था, और मंत्री उसका वो सहारा था जिसके जरिए उसने न जाने कितने लोगों को बेसहारा कर दिया। इन दो हमलों ने उसे कमजोर जरूर बनाया है, लेकिन अगर उसे लंगड़ा और अपाहिज बनाना है तो उसके रेड लाइट एरिया को खत्म करना होगा, और उसकी कमाई ने उसे अब तक मजबूत बना रखा है, और उसी कमाई से न जाने कब पुलिस डिपार्टमेंट में एक रिश्वतखोर कमिश्नर और राजनीति में एक और भ्रष्ट मंत्री कब पैदा हो जाए। रंजी अंकल, मैं नहीं समझता कि कांता और नटवर को मारना कमिश्नर और मंत्री को मारने से ज्यादा मुश्किल काम है। सतीश, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपनी जवानी की झलक दिखाई देने लगती है। जानते हो, मैं अपनी कामयाबी की मंजिल तक ऐसे ही पहुंचा हूं जैसे तुम चल रहे हो। तो फिर आज रात एक और कामयाबी की खबर सुनिएगा। Thank you.
पुलिस है। नटवर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नटवर पुलिस के हाथों नहीं मरना चाहिए। नटवर, नटवर रुक जाओ, पकड़ो उसे। क्यों रहे हो सतीश? जिस रास्ते पर चलने की तुमने ठानी है उसका अंजाम यही होता है। बल्कि मैं तो इस दीवार पर तुम दोनों की तस्वीरें भी देख रही हूं। आखिर क्या हो गया है तुम्हें सतीश? क्या से क्या हो गए हो तुम? हथियार लिए जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो, उस मकसद के पूरे हो जाने के बाद क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार वापस मिल जाएगा? बोलो, खून का बदला खून मकसद नहीं होता सतीश। मैं दुनिया को वही लौटा रहा हूँ जो दुनिया ने मुझे दिया है। मगर मैंने तो तुम्हें प्यार दिया है, फिर तुम मुझे प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं लौटाते? हमारे बीच भी कुछ वादे हुए थे, हमने भी कुछ कसमें खाई थी, कितने सपने देखे थे हमने। वादे, कसमें, जिंदगी गुजारने के सपने, ये सब मैंने मेरे अपनों की चिताओं पर जला दी है प्रिया। अब सिर्फ बदला ही मेरी जिंदगी का मकसद है। और मेरा मकसद है तुम्हारे साथ घर गृहस्थी बसाकर अपनी जिंदगी बिताने का। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ सतीश, एक एक नई जिंदगी की शुरुआत करो मेरे साथ। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी प्रिया की तरफ मुड़कर देखो, तुम्हें जिंदगी के नए मायने नजर आएंगे। प्रिया ठीक कह रही सतीश। ये आप कह रहे हैं सर? सतीश, जिंदगी की सच्चाई का सामना भी तो तुम्हें करना ही है। प्रिया मेरी बेटी जैसी है और हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी का घर फंस जाए, और तुमसे अच्छा दामाद मुझे कहां मिलेगा? ये लो, मेरे फार्म हाउस की चाबी। नई जिंदगी की पहली रात की शुरुआत तो वहीं से करो। सोच कर रहे हो, ले लो। थैंक्स। अब तो कशो बेटे।
सजना मैं तो दीवाने होए तेरे ओ सजना हो मेरा होठों की लाली चुरा लूंगा जानम ये दिल तेरा आशिक हुआ ऐसी निगाहों से देखा है तूने छाया है मुझ पे नशा ही नशा ये क्या जरा सा दर्द है दिल में प्यार का मदहोशियां हैं तन्हाइयां हैं बाहों में ओ सजन चल तेरा तन से उड़ा पागल मेरा दिल ये हुआ छोड़ो भी अब ये शर्म ओ सनम गहरी आंखों में तेरी आडूब जाऊं सनम ओ सनम सांसों में शामिल कर दो तुम सांसें कानों में कह दो तुम दिल की बातें ये दूरियां तुम मिटा दो तुम्हें है कसम बर्बादी का कारण कांता है you
दिया सतीश ने मुझे, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, बहुत खून खराबा किया है। गोलियां तो ऐसे चला रहा है जैसे दिवाली मना रहा है। एक बार मेरे हाथ लगने दो, साले को मौत के घाट उतार दूंगा हरामी के पिल्ले को। शराब पियोगे कांता? मुझे सिर्फ सतीश का खून पीने का है। कांता, इसमें तुम्हारी गलती थी। मैंने सतीश को उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ अपने फार्म हाउस पर सुहाग रात मनाने के लिए भेजा है, इस बात की खबर मैंने तुम्हें कर दी थी। पर तुम्हारे हिजड़ों की फौज उसे मौत के घाट नहीं उतार सकी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सिर्फ एक बार बता दे कि सतीश कहाँ है। कांता, अंग्रेजों ने चाय हिंदुस्तानियों में सबसे पहले मुफ्त में बांटी थी। जब वो उस चाय के आदी हो गए तो अंग्रेजों ने उसके दाम लगाने शुरू कर दिए। तो बता बता बता, क्या दाम चाहिए सतीश के लिए तुझे, बता। कांता, ये बस्ती के पेपर हैं, इन पर साइन कर दो। जो बस्ती तुम मुझे करोड़ों में बेच रहे थे, अब वो तुम सवा रुपए में दे रहे हो। हेलो सतीश, एक बुरी खबर है। कांता अपनी बर्बादी का बदला बस्ती वालों से ले रहा है। उसने कल ठीक 11 बजे बस्ती को डायनामाइट से उड़ा देने की धमकी दी है। देखो, तुम कल 11 बजे बस्ती पहुंच जाना। आप फिक्र मत करिए करण जी अंकल, मैं कल ठीक 11 बजे बस्ती पहुंच जाऊंगा। अब देखना करण जी, कल बस्ती का शमशान छोटा पड़ जाएगा, इतनी भीड़ सतीश के अर्थी में होगी। करंजिया साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि बस्ती बच जाती और सतीश की जान भी नहीं जाती? सतीश? कौन सतीश? मैं किसी सतीश वतीश को नहीं जानता। इस देश में रमा और सतीश जैसे कितने नौजवान मिलते हैं जिनको गरीबी और मजबूरी ने दीमक की तरह खा लिया होता है। कमी है तो सिर्फ इस देश में ऐसी जमीनों की, ऐसी बस्तियों की जमीनों की, जो इंसान को अरबपति बना देती है। बरसों से ये बस्ती मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। वकील, करोड़ों से खेलते खेलते मैं थक चुका था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ठहर चुकी हो, पर आज एक नया मोड़ आया है, नया मोड़। अब ये साबित करने में मजा आएगा कि इस शहर का बेताज बादशाह सिर्फ करंजिया है, ओनली करंजिया। भगत बाहर निकल, बहुत खून खराबा किया है तूने, अब तुझे पता चलेगा कांता की ताकत का। सतीश, सतीश, तू आता है बाहर या खून बहाने की शुरुआत इस बच्चे से करूं? बच्चे को
भैया, आज कोई बच के ना जाने पाए। हो चल। सतीश बेटा, ये सब क्या हो गया बेटा? ये सब कैसे हो गया बेटा? चलो ना सतीश, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ख्याल रखना। Yeah!
रुक जाओ सतीश, सतीश रुक जाओ, सतीश। काश तुम्हें मैंने करंजिया की असलियत न बताई होती कि वो किस तरह तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस्तेमाल कर रहा था, तो शायद आज ये लो 50,000, मस्ती को राख में मिलाने के बाद 50,000 तुमको और मिल जाएंगे। आज रात आपका काम हो जाएगा, चलता हूं। ये लो माचिस। ये किस लिए? मस्ती को आग लगाने के काम आएगी। चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, गुंडा मपाली रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, हम यही रहेंगे, ये अब उनका घर है, हमको ना किसी के पाप का डर है, चल पकल पकल निकाल निशान है। तोड़ देंगे